बीजेपी ने राजस्थान के सीएम के तौर पर बजनाल की ताजपोशी में 2014 के हरियाणा के एपिसोड को दोहराने का काम किया है। जिस तरह से बीजेपी ने 2014 में पैराशूट के जरिए प्रदेश की पॉलिटिक्स में मनोलाल खट्टर को उतारकर पहली बार एमएलए बनने के तुरंत बाद सीएम बनवा दिया था, उसी तरह से राजस्थान में भी पहली बार एमएलए बनने वाले बजनाल को बीजेपी ने वहां का सीएम बना दिया है। दोनों ही नेताओं के बीच में बड़ी समानता है क्योंकि दोनों नेता संघ से जुड़े रहे हैं, लेकिन मनोलाल खट्टर की निष्ठा बजनाल से काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मनोलाल खट्टर ने अपनी पूरी जिंदगी संघ और बीजेपी के लिए लगाने का काम किया था, जबकि बजनाल ने 2003 में बीजेपी से बगावत करके चुनावी लड़ने का काम किया था। लेकिन संघ की पसंद मनोलाल खट्टर थे और संघ की पसंद बजनाल हैं, इसलिए दोनों के राजयोग ने जोर मारा और दोनों की दोनों पहली बार एमएलए बनते ही सीधे सीएम बन गए। पांच पांच छह छह बार एमएलए बनने वाले लोग तो रात ताकते रह गए और पहली बार एमएलए बनकर जैसे मनोलाल खट्टर सीएम बने थे, वैसे बजनाल भी तकदीर के चमकते सितारे बन गए हैं और राजस्थान की सियासत के सरताज बन गए हैं। बीजेपी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तीनों ही चेहरों को ऐसे तौर पर पेश किया, ऐसे चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया जो किसी भी सूरत में सीएम की दौड़ में शामिल नहीं थे। बीजेपी ने साबित कर दिया है कि वो किसी को भी सीएम बना सकती है। आप खुद ही देखिए कि बजनाल राजस्थान के एमएलए की फोटो में सबसे आखिरी सूची में चौथे नंबर पर बैठे थे, लेकिन उनको यह आभास नहीं था कि 50 मिनट के बाद वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। यही बीजेपी की खूबी है और यही बीजेपी की सबसे अलग पहचान है। बीजेपी ने तीनों ही प्रदेशों में ऐसे लोगों को सीएम बना दिया जो किसी भी तौर पर चर्चा के अंदर नहीं थे, उनका नाम सीएम के दौड़ में नहीं था और वो ना तो ज़्यादा अनुभवी थे और ना ही कद्दावर नेता थे। यानी बीजेपी ने संगठन को बढ़ा करके, पार्टी को बढ़ा करके ऐसे चेहरों को मुख्यमंत्री बना दिया है जो उसकी कास्ट पॉलिटिक्स पर फिट बैठते हैं, जो 2024 की सियासत के हिसाब से बेहतरीन कंपाउंड हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए मददगार भी हैं। इसलिए बीजेपी ने बड़े चेहरों को दरकिनार कर यानी रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे कद्दावर नेताओं को बीजेपी ने एक ही मिनट पर सड़क पर ला दिया है और ऐसे चेहरों को मुख्यमंत्री बना दिया है जो किसी भी सूरत में इस रेस के भागीदार नहीं थे। बजनाल के बारे में ये कहा जा सकता है कि उनकी तकदीर भी सीधे तौर पर हरियाणा के मनोलाल खट्टर से मिलती जुलती है, क्योंकि दोनों का चुनाव से पहले कोई जोर नहीं था, कोई शोर नहीं था, सियासत में कहीं दखल नहीं था, कहीं वो विधायक नहीं थे, कहीं एमपी नहीं थे, लेकिन दोनों के दोनों संघ परिवार की पसंद बने, दोनों के ऊपर मोदी ने विश्वास जताया और इसलिए दोनों पहली बार एमएलए बनते ही सीधे विधायक बन गए। वसुंधरा राजे सिंधिया को ख्वाब में भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनका पत्ता कट जाएगा। आप खुद ही देखिए कि वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ में राजनाथ सिंह ने जो पर्ची पकड़ाई थी तो उस समय उनको ये लगा कि इस पर्ची में उनका खुद का नाम है, लेकिन जैसे ही वसुंधरा राजे सिंधिया ने पर्ची खोली तो उनके होश उड़ गए और उनको आभास हो गया कि उनके साथ कपट हो गया है, उनके साथ धोखा हो गया है और उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। वो होश उड़ाते हुए, वो परेशान होते हुए एकदम ही राजनाथ सिंह की तरफ देखते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह भी माहिर खिलाड़ी हैं। आप खुद देखिए राजनाथ सिंह कैसे बिल्कुल सीधे एकटक देखते हैं और वसुंधरा राजे की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। यही बीजेपी का खेल है, यही बीजेपी की सियासत है और यही बीजेपी की खूबी है। बीजेपी ने साबित कर दिया कि उसके प्रति समर्पित रहने वाले अंतिम पंक्ति के लोग भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बड़े पदों पर जा सकते हैं, डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, मंत्री भी बन सकते हैं और विधायक भी बन सकते हैं। राजस्थान की पॉलिटिक्स में बीजेपी ने 32 साल के बाद एक ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर वहाँ की सियासत में एक बड़ा प्रभाव डालने का काम किया है, क्योंकि राजस्थान की 50 सीटों पर ब्राह्मण वोट डिसाइडिंग संख्या में है और उनका भरपूर समर्थन लेने के लिए ही बीजेपी ने 32 साल के बाद वहाँ ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है। इसके अलावा बीजेपी ने पूर्वी राजस्थान को भी साधने का काम किया है। पूर्वी राजस्थान में लंबे समय से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है और वहाँ के लोगों को मुख्यमंत्री देकर बीजेपी ने वहाँ भी अपने प्रभाव को बढ़ाने का काम किया है। बीजेपी ने राजपूत दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाकर जहाँ राजपूतों की नाराजगी को दबाने का काम किया है, वहीं दलित चेहरे को भी उप मुख्यमंत्री बनाकर दलित वोटरों को अपने साथ लामबंद करने की बिसात खेली है। बीजेपी ने साबित कर दिया है कि वो अपने प्रति समर्पित नेताओं को ही ऊंची कुर्सी पर, बड़ी कुर्सी पर बिठाने का काम करेगा। आप जरा ध्यान से देखिए और सोचिए,
आखिर क्या वजह है कि रमन सिंह सीएम नहीं बने, आखिर क्या वजह है शिवराज सिंह चौहान पांचवी बार मुख्यमंत्री नहीं बने, और आखिर क्या वजह है वसुंधरा राजे सिंधिया तीसरी बार राजस्थान के सीएम नहीं बनी। आप जरा गौर से देखिए तो आप समझ पाएंगे कि बीजेपी ने बड़े नेताओं को काटने का काम किया है, उनको हाशिए पर डालने का काम किया है। असल में तीनों ही नेता साफ तौर पर एक अलग नियत के, एक अलग करैक्टर के और एक अलग रसूख के नेता थे। तीनों ही नेताओं ने अपने मुख्यमंत्री काल के अंदर बीजेपी से अलग अपनी अलग पहचान बनाने का काम किया, अलग से अपना सिस्टम खड़ा करने का काम किया, और तीनों ही राज्यों के अंदर इन तीनों नेताओं का हर विधानसभा क्षेत्र में अपना एक अलग से ग्रुप था, अलग से उनके चहेते लोग थे। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। बीजेपी चाहती है कि कैडर से जुड़े लोग हों, नेता और मुख्यमंत्री सिर्फ पार्टी को मजबूत करने का काम करें और पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से ही कामकाज को चलाने का अंजाम दें। लेकिन शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया और रमन सिंह तीनों ही अपने बलबूते की पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो अपने आप को बीजेपी से बड़ा मान चुके थे, उनके साथ में नेताओं की फौज भी थी, उनके साथ में वर्करों की भी फौज थी और उनके साथ में बड़ा वोट बैंक भी था। लेकिन बीजेपी ने, या कहिए मोदी और अमित शाह ने, बिल्कुल चतुराई के साथ इन सभी नेताओं का इस्तेमाल किया, इनके बलबूते पर सरकार बनाने का काम अंजाम दिया। इन नेताओं को सीएम प्रोजेक्ट भी नहीं किया गया, लेकिन तीनों ही प्रदेशों में इन तीनों ही नेताओं ने सरकार लाने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत की। तीनों नेताओं को लगता था कि वो ही सीएम बनेंगे, इसलिए तीनों चुनाव में जीत के बाद खिले खिले नजर आ रहे थे, उनके चेहरों पर रौनक थी। तीनों नेताओं के घरों पर विधायकों का आना जाना था, विधायकों की कतार लगी थी। लेकिन मोदी और अमित शाह ने कुछ अलग ही ठान रखी थी, इसलिए तीनों ही बड़े नेताओं को उन्होंने हाशिए पर डाल दिया और उनकी जगह नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनवा दिया। बीजेपी अब तीनों ही प्रदेशों में अपने सिस्टम के अनुसार काम करेगी, अपने कैडर को आगे बढ़ाने का काम करेगी और पार्टी के समर्पित नेताओं को ही प्रमोट करने का काम करेगी। अब वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह तीनों की सियासत का खात्मा हो गया है, तीनों के लिए अब बीजेपी में कुछ नहीं बचा है। वो पुराने रसूख के सहारे जिंदा रह सकते हैं, वो सिर्फ राज्यपाल बनने की कामना कर सकते हैं, इसके लिए भी उन्हें फरियाद करनी पड़ेगी। अगर इसके लिए फरियाद नहीं करेंगे तो उनके लिए आगे की सियासत के दरवाजे बंद हो गए हैं, वो भविष्य में कभी सीएम नहीं बन पाएंगे। यानी बीजेपी ने एक बड़ा गेम खेल दिया है और इस गेम के जरिए जहां तीनों ही प्रदेशों में उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह के कड़ी मेहनत के बलबूते पर सत्ता हासिल कर ली है, लेकिन सत्ता का सरताज उन्होंने ऐसे चेहरों को बना दिया है जो हर सूरत में संघ के प्रति समर्पित हैं, जो बीजेपी के सिपाही हैं और 2024 और 2029 की सियासत में बीजेपी के लिए कामगार साबित होंगे, बीजेपी के सिस्टम के हिस्सा बने रहेंगे और अलग से अपना कोई सिस्टम खड़ा नहीं करेंगे। यानी जिस तरह से हरियाणा में 2014 में बीजेपी ने खट्टर साहब को सीएम बनाकर एक नई शुरुआत की थी, उसी के बलबूते पर बीजेपी ने दूसरे प्रदेशों में भी प्रयोग किए हैं और ऐसे नेताओं को ही सीएम बनाने का फार्मूला आगे बढ़ाया है, जिन नेताओं की अपनी कोई बड़ी छवि नहीं है, जिन नेताओं का बड़ा अपना सिस्टम नहीं है, जिन नेताओं का अपना कोई अहम नहीं है और जो नेता सिर्फ पार्टी के आदेश के हिसाब से ही सियासत करते हैं, राज करते हैं। अलग से अपना नाम चमकाने वाले, अलग से अपना सिस्टम खड़ा करने वाले नेताओं को बीजेपी ने हाशिए पर डालने का काम कर दिया है। यही वजह रही कि जिस तरह से हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरप्राइजिंग सीएम के तौर पर ताजपोशी हुई थी, उसी तरह से भजनलाल की भी ताजपोशी हुई है और पहली बार विधायक बनने के साथ ही भजनलाल की किस्मत का ताला खुल गया है और वो एक ही झटके में सत्ता का सरताज बन गए हैं। मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव के सीएम बनने के दूर दूर तक कोई आसार नहीं थे, कोई चर्चे नहीं थे और वो कहीं से भी सीएम मटेरियल भी नहीं थे। लेकिन संघ और मोदी अमित शाह की जोड़ी ने इस नगीने के ऊपर भरोसा जताया, उन्हें भरोसेमंद माना और उन्हें सत्ता का सरताज बना दिया। इसी तरह से विष्णु सहाय भी छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में कोई बड़ा चेहरा नहीं थे, वो पॉलिटिक्स के नए खिलाड़ी भी नहीं थे, लेकिन सीएम की दौड़ से वो दूर थे, कोई नहीं सोचता था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन बीजेपी के अंदर संघ परिवार के आदेश चलते हैं, संघ परिवार की पसंद चलती है और उसके बाद मोदी और अमित शाह की कसौटी उनको परखने का काम करती है। इस कसौटी पर जो लोग खरे उतरे हैं उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया है और जो लोग पार्टी के सिस्टम से बड़े हो गए थे, जिनका अपना बड़ा नाम हो गया था, पार्टी ने उन्हें एक दायरे में बंद कर दिया है और उन्हें सीएम की दौड़ से बाहर करके उनकी सियासत को हाशिए पर डालने का काम कर दिया है।
बीजेपी के आगामी चुनाव में सियासत को जानने के लिए भी आप खरीक न्यूज के साथ बने रहिए। 2024 में हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की किस्मत को जानने के लिए भी आप खरीक न्यूज के साथ बने रहिए। 2024 में और 2028 तक भजनलाल, विष्णु सहाय और मोहन यादव की परफॉर्मेंस को जानने के लिए भी आप खरीक न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।